भाई लोग कैसे आप सभी लोग, तो अगर मैं कौन नहीं डूबा आज हम फिर से खेलने वाले हैं फ्री फायर मैक्स। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे रैंक पुश, और आज हम पहुंच जाने वाले हैं हेरोइक पे, जो कि ये वाला सीजन आया है इसी वाले में। तो देखते हैं कि अपन कैसे क्या पहुंच पाएंगे, और ये वाला एक ही गेम मैं आज को दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी है। तो यहाँ पे मैं कूद जाता हूँ, आप देख सकते हो मार्स इलेक्ट्रिक पे, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ गन वगैरह। तो मुझे सिर्फ यूज ही मिली है, और इसकी ज्यादा मेरे पास एमओ भी नहीं है। बट मुझे सामने की तरफ देखा था मैंने कि यहाँ पे प्लेयर आ रहा था, तो चलो देखते हैं, अगर वो मिल जाएगा तो फिर उसको मारेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर भाई ढूंढेंगे कि कहाँ पे है यहाँ पे प्लेयर। तो इधर तो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लोकेशन तो दिखा रहा है बंदे की, आपने देखा होगा निशान दिखा रहा था, तो मुझे देखना पड़ेगा चल के कि इधर कहाँ पे है प्लेयर। और एक प्लेयर यहीं पे है, इसको तो मैं नॉक कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, बट मैं इसको फिनिश करने नहीं जा पा रहा हूँ अंदर, क्योंकि उसने यहाँ पे ग्लू वॉल लगा दी, और एक प्लेयर सामने से भी आ रहा है। और भाई मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया यार, बट यार मुझे इसको मारना है, मेरे पास एमो नहीं है। मैं मारूँ किससे, हाथ से मर जाएगी क्या ये, हाथ से नहीं मर पाएगी लग रहा है। इसने भाई हमारे एक प्लेयर को नॉक कर दिया, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाई एमओ नहीं है। अगर एमओ होती तो मैं इसका काम तमाम कर देता, बट भाई एमओ नहीं है तो फिर से लड़ने के भाई कोई भी फायदा नहीं है, अपना ही काम तमाम हो जाएगा। फोकट भाई अपने जान से हाथ धो बैठेंगे, तो इसलिए अपने को वहाँ पर लड़ना नहीं है उससे। यहाँ पर मैं थोड़ी एमओ वगैरह लूट लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर गन तो मिल गई है, और अब मेरे पास थोड़ी बहुत एमओ आ गई है, बट अभी भी उतनी नहीं है कि जैसे कि मैं किसी से लड़ पाऊँ या फिर किसी को मार पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे और बहुत सारी एमओ ढूंढनी पड़ेगी, जिससे कि मैं मतलब कम से कम एक स्क्वाड को तो मार पाऊँ और अपनी एमओ ना खत्म हो। और मुझे कुछ अच्छी गन भी ढूंढनी पड़ेगी, आप देख सकते हो यहाँ पे स्कार और AK-47 है, जो कि एक ही जैसी गने हैं। तो मैंने यहाँ पे बिजोन ले लिया, बट बिजोन की भी मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, तो मैं सोच रहा MP40 वगैरह या फिर MP5 ऐसी कोई गन मिल जाती तो ठीक रहता। MP40 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, तो अब इसको लेके आ चुका हूँ मैं यहाँ पे एमओ ढूंढने के लिए, क्योंकि MP40 तो मिल गई, बट भाई मेरे पास एमओ अभी भी कमी है, तो मुझे यहाँ पे एमओ वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, और जो कि मेरे पास अभी नहीं है। बट इतनी है कि एक दो बंदों को मैं मार सकता, इतनी एमओ है, बट भाई पूरी स्क्वाड को खत्म करने उतनी एमओ अपने पास नहीं है, तो वो मुझे यहाँ पे लूटनी पड़ेगी। वैसे भी हम शॉर्ट रेंज गन ज्यादा चलाते हैं, और यहाँ से किसी ने अपनी मौत को दावत दिया है, तो चलो इसकी भी मौत के कारण हम ही बनेंगे भाई, इसको तो हम ही मारने वाले हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे EP से HP पे कर लेता हूँ हमने के कैरेक्टर को, और चलते हैं भाई इसकी तरफ। अब मुझे लग रहा है कि इधर से घूम के आएगा ये, तो भाई हम भी वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, सोच रहा था कि मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, भाई नहीं ऐसा होने वाला है। तो इधर से आएगा तो हम भी यहाँ पे घूम चुके हैं, और देखो ये किधर जा रहा है मारने के लिए। भाई हम यहाँ पे हैं, इसको मैंने सरप्राइज अटैक दे दिया है, और अभी इसका मैं काम तमाम कर देने वाला हूँ। अब यहाँ पे दो प्लेयर आ गए थे, जो कि मेरा काम तमाम हो सकता था, बट यहाँ पे MG Rai, जो कि अपनी स्क्वाड का सबसे ज़्यादा प्रो प्लेयर है, तो ये भी यहाँ पे आ गया था, इसकी वजह से हम यहाँ पे बच चुके हैं मरते मरते। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ क्लॉक टावर की तरह, और वहाँ के सारे बंदे खत्म हो गए थे, और मैं काफ़ी सारे प्लेयर्स को ढूंढ भी रहा था, बट हमको वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अपना ड्रॉप डाल देता हूँ, आराम से अपना ड्रॉप आएगा, और फिर ड्रॉप को लूट के अपन कोई अच्छी गन लूट लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे पास XM8 है, और मैं सोच रहा हूँ कि कोई लॉन्ग रेंज गन मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि यार ये भी मीडियम रेंज गन है XM8, और भाई MP40 तो शॉर्ट रेंज गन है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉप आ जाए अपना, ऊपर की तरफ मैं देख भी रहा हूँ, पर ऊपर से एक बंदा आ रहा है। भाई मैंने तो यहाँ पे ड्रॉप डाला, तो बंदा कैसे आ गया, बंदे की किस्मत ख़राब थी कि वो यहाँ पे कूद रहा है, तो उसका काम मैं तमाम कर देने वाला हूँ। अभी काफ़ी गंदा डैमेज हुआ और ना, ठीक है तो ठीक है, इसको तो मैं मार दूंगा। यहाँ पे अपने कुछ प्लेयर्स थे जो कि इसको फिनिश करने में लगे हैं, तो इन्होंने इसको फिनिश कर दिया, अपना ड्रॉप भी आ रहा होगा ऊपर से। ओके, अरे हट जाओ रोहित भाई, हट जाओ यहाँ से, अरे मर जाओगे ड्रॉप से, अरे शिट भाई ये ड्रॉप से ही मर गए। तो अब मैं ड्रॉप पर नहीं लूटूंगा, मैं पहले जाके इनको रिवाइव करूंगा। यार काफ़ी था ख़राब लगा मुझे, ड्रॉप लूटना था और वो उसी के नीचे आ गए। अब मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाला है, बट भाई शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे आ गए थे उसके नीचे। तो अब इनको मैं जाके रिवाइव दे देने वाला, और अब अपना ड्रॉप तो चला गया, क्योंकि वो वाला बंदा लूट लेगा उनको जो कि वहाँ पर खड़ा था। तो अपना ड्रॉप तो जा चुका है, बट कोई बात नहीं, रिवाइव दे देते यार, हो जाता है कभी कभी। अब भाई हमारे एक प्लेयर ने हमको बताया कि वहाँ की तरफ एक बंदा कोई है जो कि रिवाइव देने की कोशिश कर रहा है किसी को, तो मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके उधर ही जा रहा हूँ, बट उसने तो रिवाइव कर दिया है, वहाँ का हार्ट यूज़ हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, बट भाई हम सबको मार देंगे, शायद मैं पूरी स्क्वाड को भी खत्म कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रस मार दिया, अपने सारे प्लेयर यहीं पहुँच जाएंगे काफ़ी ज़्यादा जल्दी, हम काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, बट भाई ऊपर की तरफ से कोई मुझे मार रहा है पहाड़ी से, और हो ऐसा ना हो कि उन्होंने किल चोरी कर लिया, और शिट भाई उन्होंने किल चोरी कर लिया यार। अब भाई इसकी पूरी स्क्वाड को हम खत्म कर देने वाले हैं। वैसे मेरे प्लेयर्स ने दो बंदों को मार दिया, दो और बचे हैं, और एक और को मार दिया, और ये फाइनल वाले को तो मैं ही मारूंगा। ले भाई खत्म, ये डायरेक्ट मारा है तो इसका कोई भी प्लेयर जिंदा नहीं होगा, वरना ये नॉक होता। तो आपने देखा भाई मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर हमारा कोई किल चोरी करता है ना, तो हमारी फिर पूरी स्क्वाड जाके उसको मारती है भाई, उसको काफ़ी था महंगा पड़ा हुआ किल चोरी, अच्छी खासी उसकी प्लस होती है। बट भाई हमने इसको 20 प्लेयर्स अभी जिंदा, 20 प्लेयर से ज़्यादा अभी जिंदा है, और हमने उसको मारा तो उसकी अच्छी खासी हम माइनस करवा देंगे भाई। उसको मेरा किल नहीं चोरी करना था यार, वो लड़ता फिर यहाँ से भाग जाता तो ठीक रहता, बट उसने मेरा किल चोरी कर लिया, वो काफ़ी था बड़ी उसने गलती करी, और उसकी उसको सज़ा मिल गई, पूरी स्क्वाड खत्म करवा दी उसने, एक किल चोरी करके पूरी स्क्वाड
उसकी खत्म कर दी हमने। अब मैं यहाँ पे आ चुका और मैं यहाँ से निकल जाना सीधा वाल क्लॉक टावर की तरफ, क्योंकि अपना एक प्लेयर यहाँ पे मर चुका जो कि अपनी स्क्वाड का सबसे ज्यादा प्रो प्लेयर है, जो कि यहाँ पे MG राइट, उसको रिवाइव करना काफी ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ की तरफ प्लेयर्स भी हैं कुछ। मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, नहीं यार उसको डैमेज नहीं लगा, बट हो सकता है वो रिवाइव देने जाएगा उसको, और हाँ वो जा रहा है। तो चलो इसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया है, बट भाई मुझे भी MG राई को रिवाइव देना है, और अंदर इसको मैं मार भी दूंगा तो कहाँ है भाई ये प्लेयर, प्लेयर तो मुझे दिख नहीं रहा है। मैं MG राई को रिवाइव मैंने कर दिया यहाँ की तरफ, और वो प्लेयर गया तो गया कहाँ। ओके वो इधर से भाग रहा है घूम फिर के, बट नहीं भाग पाएगा भाई, ये तो मारा जाएगा इसको, मैं पक्का मार देने वाला हूँ पकड़ के। ओके तो इसको किसी ने नॉक कर दिया, शायद अपने स्क्वाड के किसी प्लेयर ने किया होगा, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसका काम तमाम हो गया है। अपन ने नहीं मारा बट अपने स्क्वाड के किसी प्लेयर ने मारा, बट मारा हमने। अब हमारी स्क्वाड आप सोच रहे हो कितने किल करती है, तो भाई हमारी स्क्वाड कम से कम 20 से 25 किल निकाल देती पूरे गेम में, इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी हीरोइक पहुँच जाता हूँ। मैं वैसे आधे घंटे ही खेलता हूँ फ्री फायर, आधे से एक घंटा एक दिन में, बट भाई हम 2-3 दिन के अंदर आराम से हीरोइक पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारा गेम प्ले उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब देखो मुझे सामने की तरफ तो कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, बट पीछे भी है भाई, मुझे गोली लग रही है पेन पे। तो एक प्लेयर इधर की तरफ है, एक ऊपर की तरफ, देखो दो तरफ निशान दिखा रहा है, यहाँ पे दो प्लेयर है, हमने पीछे दो प्लेयर, तो मैं दोनों को मारने वाला हूँ। एक इस तरफ वाला देखते हैं कहाँ पे है, यहीं कहीं पे होगा वो भाग रहा है। चलो खत्म, इसको मैंने यहाँ पे मार दिया। एक प्लेयर इधर भी था, मैंने इसको नोटिस किया था, मैं यहाँ से भी अपने को निशान दिखा रहा था, तो इसको भी मारेंगे। अब दिख नहीं रहा है मुझे किस तरफ ये कहाँ पे छुपा है भाई, कहाँ पे निकल जा। ओके उसने मुझे डैमेज दिया, शायद वो वैन वगैरह के पीछे ग्लू वगैरह मार देता हूँ मैं यहाँ पर। मुझे एक मेडी मारने की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अगर मैं मेडी नहीं मारूंगा तो भाई मेरा काम तमाम हो जाएगा, तो मुझे एक मेडी मारना। अब चलते हैं उसको मारने के लिए। भाई तूने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है मुझे डैमेज देके, अच्छा खासा छुप के भाग जाता। चल खत्म, वैसे भी अकेला ही बंदा था यार, क्या कर लेता, इसके फ्रेंड को तो हमने पहले ही मार दिया था। अब आगे की तरफ हमारे यहाँ पे दो प्लेयर बच्चे, जिनको मार के हमारे यहाँ पे बुइया निकलने वाला है, तो इनको तो हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से मार देंगे, क्योंकि हम 3 प्लेयर और ये सिर्फ 2 हैं, हमारे पास गन्स भी आपको कितनी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने उसको थोड़ा डैमेज तो दिया, मैं सीधा रस मारने वाला हूँ उसके ऊपर। चला जा भाई, निकल जा बाहर, निकल निकल जा। फिनिश, इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया। अभी बारी एक और की, जो कि फाइनल प्लेयर बाकी है, उसको भी अपन मार देंगे यहाँ पे, जो कि आगे की तरफ मुझे दिख रहा है, उसको एक आध हेड जा भाई। चल एक हेड इसको लग चुका है यहाँ पे, और अब सीधा मैं इसका काम तमाम कर देने वाला हूँ, रस मारने वाला हूँ मैं ओपन यहाँ पर होगा भूया। ओके तो इसको मैंने हेड के साथ निपटा दिया, और अपना यहाँ पे हो चुका है भूया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और इसी गेम के साथ मैं यहाँ पे हीरोइक पे पहुँच जाऊँगा। अब वैसे तो हमको हीरोइक पहुँचने में काफ़ी सारे गेम्स खेलने पड़े, आप बोल सकते हो 10-12 गेम से ज़्यादा खेलने पड़े हैं, बट कोई बात नहीं यार, उतनी सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, और आपको पता है स्टोरेज वगैरह फुल हो जाती है फ़ोन की, तो ये मेन गेम था मैंने आपको दिखा दिया है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं Diamond 4 से सीधा जाऊँगा हीरोइक पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब एम्बल चेंज होता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है यार। देखो तो यहाँ पे एम्बल वगैरह चेंज हो चुका है, और मैं यहाँ पे 5 बार हीरोइक पे जा चुका हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, और हमारा गेम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया है इस वाले में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 8 किल करे, बाकी एक प्लेयर ने 6, एक ने 4, एक ने 5। मैंने आपको बताया था ना कि 15-20 किल हम आराम से कर देते हैं हमारी स्क्वाड मिलकर, आधे प्लेयर्स को तो हमारी स्क्वाड ही निपटा देती है। तो आज की वीडियो को ये पे कर देते हैं, बाकी आपको बताते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो में आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।